बम बम भोले, घर में शिवलिंग की स्थापना करने के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ रहता है और इसके ही पीछे बहुत ही साफ है कि सावन भगवान शिव का प्रिय माह है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि घर में कितने इंच के शिवलिंग रखना चाहिए, किस समय और कैसे स्थापना करनी चाहिए, फिर स्थापित करने के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशु मल्होत्रा। तो आज भी मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी दूंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है और बहुत ही शुभ दिन ये माने गए हैं, क्योंकि इस महीने में भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आज की पोस्ट में मैं ये जानकारी दूंगा कि हमारे शास्त्रों में और हमारे ज्योतिष में और सावन के महीने में घर में शिवलिंग को स्थापित करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि उनको स्थापित करने से हर मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे लक्ष्य हैं हम उसको पा लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सावन में शिवलिंग स्थापित करना बहुत शुभ माना गया घर में, लेकिन वो कैसे हो, कितने साइज़ के हों, ये मैं आपको आज बताऊँगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शिवलिंग जो घर पर स्थापित करें वो 4 से 5 इंच के होने चाहिए, इससे बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे बड़े जो शिवलिंग हैं वो मंदिर में ही स्थापित किए जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के साथ, तो वो संकल्प लेके होते हैं। तो घर में स्थापित करने के लिए 4 से 5 इंच के शिवलिंग हम स्थापित कर सकते हैं। उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार जो जैसे कोई भी आप शिवलिंग ला सकते हो बाजार से, और अपने मन की निष्ठा से और उसको संकल्प करके कि मैं आपकी सेवा पूर्ण करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। क्योंकि अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हो तो उनको उनकी जो पाठ पूजा है, उनको जो जल चढ़ाने का नियम है वो हमें रखना पड़ता है। तो हम ये सावन के जो महीना चल रहा है इसमें किसी भी सोमवार को सुबह 4 से 6 या 6 से 8 के बीच बीच हम घर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 6 जो का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है और जो 6 से 8 का टाइम है वो उसको प्रातःकाल कहते हैं। तो इसमें हम अगर स्थापित करते हैं शिवलिंग को तो बहुत ही हमें सुखमय जीवन मिलता है और हमारी मनोकामनाएँ पूरी होती है। तो घर के नॉर्थ ईस्ट में या ईशान कोण में हम शिवलिंग को रख सकते हैं और नियम से उनको जल दिया जाए तो उनको पूजा की जाए, उनकी धूप बत्ती की जाए और उनके ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसका अगर हम सभी परिवार वाले चरणामृत मानकर पिएं उस तो हमारे ज़िंदगी में हमारा चंद्र भी मजबूत होता है और हमें सभी ग्रहों का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ कम होती हैं और घर की जो दरिद्रता जो नकारात्मकता होती है वो भी चली जाती है और हमें जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हमारा जीवन सुखमय, कर्ज से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति मिलती है और हमें काफ़ी ज़िंदगी में सफलता मिलती है। तो ये इस पोस्ट में मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाह रहा था कि आप शिवलिंग तो स्थापित जरूर करें घर पर, लेकिन वो सिर्फ 4 या 5 इंच के ही हों। तो इस महीने में जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जैसे 16 तारीख की संक्रांति भी है, एकादशी भी है, तो हम उस दिन भी शिवलिंग घर पे ला सकते हैं। आपने जाना कि अगर 4 या 5 इंच से बड़े शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं तो पूरे विधि विधान से ही करें। इसके अलावा शिवलिंग के साथ नंदी की स्थापना करना ना भूलें। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।